गुड मॉर्निंग बेटा, आज मैं आपको थर्ड क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिवर्स एंड अस जो है समझा रही हूँ MSD पब्लिक स्कूल से। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि टिक द थिंग्स यू सी इन द स्काई। स्काई में आपने जो चीज़ें देखी है उनको टिक कीजिए। तो आपने ट्री को तो नहीं देखा होगा, किसको देखा होगा? सन को। तो यहाँ टिक कर दीजिए। यू हैव नॉट सीन हाउसेस इन द स्काई, तो आपने हाउसेस को भी नहीं देखा, क्लाउड्स को देखा है, तो क्लाउड्स पर टिक कर दीजिए। देन यू हैव सीन स्टार्स, तो स्टार्स को टिक कर दीजिए। और यू हैव सीन मून एंड स्टार्स, तो यहाँ पर भी आप टिक कर दीजिए। रिवर तो आपने नहीं देखी ना, रिवर को आपने वहाँ स्काई में नहीं देखा है। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में अब स्टार्टिंग करते हैं। द यूनिवर्स और स्पेस, जो भी आसपास पूरा आसमान में देखिए, आपको जितना भी दिखाई दे आपको, और उससे भी कहीं कई गुना बड़ा जो है, क्या होता है? यूनिवर्स होता है एक बहुत ही हुज एंड एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार विद ऑल द हेवनली बॉडीज विच आर नोन एज गैलेक्सीज। आप ये कहिए कि यूनिवर्स एक इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा स्पेस है जिसमें करोड़ों करोड़ों स्टार्स हैं, हेवनली बॉडीज हैं, और उन सबको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। जो हमें हजारों लाखों करोड़ों स्टार्स दिखाई देते हैं, ये उन्हें क्या कहेंगे? गैलेक्सी। और ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों गैलेक्सी है यूनिवर्स में, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते यूनिवर्स कितना बड़ा है। और दिन के समय में आपने देखा होगा कि जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का, और कभी कभी उसमें क्लाउड्स भी दिखाई देते हैं। एक्चुअली आसमान ब्लू नहीं है, आसमान ब्लू नहीं है। जो स्काई अराउंड द अर्थ इज जस्ट ए वास्ट स्पेस। जो हमारी जो अर्थ है, हम अर्थ पर रहते हैं, आपको हमने सेकंड क्लास में बताया था, हम जो है कहाँ रहते हैं? अर्थ पर। तो अर्थ के चारों ओर भी एक बहुत बड़ा स्पेस है, अर्थ के चारों बहुत बड़ा स्पेस है। और अर्थ जो है किससे घिरी हुई है? चारों तरफ से एयर से। और इस एयर को ही क्या बोल देते हैं? एटमोसफेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एटमोसफेयर। और एटमोसफेयर में ह्यूमिडिटी भी होती है, नमी भी होती है, और क्लाउड्स भी होते हैं। इन द स्काई वी सी द सन ड्यूरिंग डे टाइम, वाइल द स्टार्स एंड मून इन द डार्क एंड क्लियर नाइट। और स्काई में दिन में तो हमें क्या दिखाई देता है? सन। और नाइट में, रात में क्या दिखाई देते हैं? स्टार्स और मून। यहाँ देख लीजिए, डे में तो सन दिखाई देगा और नाइट में स्टार्स और मून दिखाई देते हैं। स्पेस एंड द अर्थ, और अर्थ कहाँ पर है स्पेस में वो समझिए। इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में अवर अर्थ इज ए टिनी पार्ट। हमारे जो अर्थ है ना, यूनिवर्स के सामने बिंदु जैसी है। और जिस गैलेक्सी में अर्थ है, उस गैलेक्सी का नाम है हमारी का आकाशगंगा और मिल्की वे। जैसे यहाँ देखिए आप, ये मिल्की वे दिखा रखा हो, इसमें कहीं कोई बिंदी रखी होगी बहुत छोटी सी, वो हमारी अर्थ होगी। इंक्लूडिंग अवर अर्थ द सन मून एंड द स्टार्स ऑल आर हेवनली सेलेशियल बॉडीज। हमारी अर्थ को शामिल करके सन, मून और दूसरे स्टार्स भी हैं जो हमारे आकाशीय पिंडों को बना से मतलब आकाशीय पिंडों को बनाते हैं। अवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी जो अर्थ है, हमारे सोलर सिस्टम में बेटा कितने प्लैनेट बताए थे हमको? हमने आपको सेकेंड क्लास में 8 प्लैनेट, उनमें से एक हमारी अर्थ है। विच रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ विद इट्स नेचुरल सैटेलाइट। जो सन के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में, मतलब उसका जो रास्ता है बदलता नहीं है, उसका फिक्स्ड पाथ यहाँ पे रास्ता है, और उसका बिल्कुल अपने नेचुरल सैटेलाइट उनका कौन सा है? मून है। मून के साथ बिल्कुल फिक्स पाथ में लगातार सन के चारों ओर घूमती रहती है। और अर्थ एक रोटेशन, सन के चारों ओर एक रोटेशन जो है 24 आवर्स में पूरा कर लेती है, तभी एक दिन में 24 आवर्स माने जाते हैं। अब आप सन को देखिए, द सन विच इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और ये स्टार है। आपको पता है जो सन है ये क्या है? स्टार है, और ये राउंड इन शेप है, और ये सोलर सिस्टम का क्या है? ये स्टार है, और हमारे सबसे नियरेस्ट है, इसलिए ये हमें क्लियर दिखाई देता है। आपको सोलर सिस्टम समझाती हूँ मैं डायग्राम में। ये सन है, और इसे स्मॉल स्मॉल यहाँ पे दिखा रखा, सबसे स्टार्टिंग में मार्स, देन वीनस, फिर हमारे अर्थ।
देखो अर्थ बहुत छोटी दिखा रखी है इन कंपेयर ऑफ जुपिटर। और फिर मार्स आ गया, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के चारों ओर ये रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, समझ गए ना बेटा। तो अर्थ पर हम रहते हैं, ये अर्थ। आप सोच रहे होगे मैम हम गिरते तो है नहीं, लेकिन हम घूम कैसे रहे हैं बेटा। हम घूम रहे हैं लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स हम जो अर्थ की तरफ को ही आएंगे, हक पर जब भी गिरेंगे तो हम गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से ये आप क्या देख रहे हो, सोलर सिस्टम। ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम यूनिवर्स में हैं, उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है। समझ में आया सभी बच्चों को आपको ये? अब मैं आपको समझाती हूँ कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। कॉन्स्टिलेशन क्या समझाऊंगी बेटा, कॉन्स्टिलेशन आपने नाइट में कभी देखा, जैसे 7 तारों का समूह, या फिर ऐसे आपको एक शेप दिखाई देगी, 3 स्टार्स यहाँ पे होते हैं और 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, और ऐसे स्टार्स होते हैं, ऐसे लगता है जैसे हंटर शिकार कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से जो शेप स्पेशल बन जाती है, जैसे ओरियन कॉन्स्टिलेशन है, ये शेप जो स्पेशल देगा जो भी ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में जो है स्टार्स अरेंज है। ऐसे सप्तऋषि 7 तारों का भी होता है, जिसको 7 सहेलियों का समूह भी बोल देते हैं गाँव में। तो ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिलेशन होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ओके बेटा, अब मैं आपको और आगे का समझा देती हूँ कि और भी ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम के अलावा बस यूनिवर्स वहीं फिनिश है, नहीं, यूनिवर्स में तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा है। तो उसमें फिर मैं आपको मून्स के बारे में समझाती हूँ। मून आपको दिखाई देता है, ये नेचुरल सैटेलाइट है, और ये सभी बस वीनस और मरकरी, 2 स्टार्टिंग के जो प्लेनेट थे इनको छोड़ दीजिए आप, वीनस और मरकरी को, इनका तो कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अदरवाइज सबके नेचुरल सैटेलाइट है। हमारी अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो मून आपको दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स है वो है बेटा जुपिटर के, 67। जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स है, 67। और नेपच्यून के 14 है, नेपच्यून के सैटेलाइट 14 है, और सैटर्न के 62 है, यूरेनस के 27 है, और जुपिटर के 67। तो इस तरह से जुपिटर के सबसे अधिक सैटेलाइट्स होते हैं। और भी कुछ आसमान में तो जो है स्काई में तो और भी बहुत सारे सेलेशियल बॉडीज होते हैं जो घूमते रहते हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स कहाँ होते हैं ये मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे होते हैं बड़े बड़े पहाड़ जैसे, माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रॉक्स के बने होते हैं, पत्थर के। ये आप देख रहे हो ना, मार्स और जुपिटर इनके बीच में यहाँ पर होते हैं ये, और ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, एस्टेरॉइड्स, रॉकी सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा मीटियोराइट्स, कि टूटते तारे, कई बार सुना है, देखा भी है टूटते तारे, तो वो भी स्काई में ऐसे ही रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर जैसे पार्टिकल्स ये, और ये जब अर्थ पर गिरते हैं तो ये नीचे की तरफ जैसे ही एटमोसफेयर से टकराते हैं तो इनमें बर्निंग हो जाती है, आग लग जाती है, और उन्हें हम टूटते तारे कहते हैं, शूटिंग स्टार्स भी बोल देते हैं, शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, टूटते तारे भी बोलते हैं, मीटियोरॉइड्स भी बोलते हैं। और कुछ होते हैं पुच्छल तारे, पुच्छल तारे आपने देखा होगा, धूमकेतु, इन्हें कॉमेट्स बोल देते हैं इस तरह से। हालांकि एक हेली धूमकेतु है जो 76 ईयर्स पहले दिखा था, और अब फिर दोबारा से 76 ईयर्स बाद दिखेगा, 84 में दिखा था। अब 84 में से आप 76 ऐड करके बताना कि वो दोबारा से कब दिखेगा। ओके बेटा, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, आप देख लेना। धन्यवाद।